हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज हम लोग मॉर्निंग में आए हैं नवीन मंडी सब्जियां ले जाने के लिए। तो सोचा कि क्यों ना फैज़ाबाद का नवीन मंडी भी आपको दिखाया जाए। तो चलिए हमारे साथ नवीन मंडी में। यहाँ पे फ्रूट्स की दुकान है, अभी हम लोग सब्जी मंडी में एंटर करेंगे। यहाँ पे बस फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं शादी वगैरह में, जो जाते हैं दौरी में वो सब पैक करा के सही मिल जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग यहीं प्रिफर करते हैं कि यहीं से जाके लेके जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सब्जी मंडी जो कि आ गई है। 20 रुपये, 120 रुपये। अच्छा, 120 रुपये पसेरी। बोरी भैया, बोरी और आलू 2500। अच्छा 1900 1900 1100 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
है थोड़ा सा देख कर सब्जी लगा दे ये है मंडी। मंडी में जो कुंटल में नहीं जो थोड़े थोड़े दो दो किलो में मिलते हैं वो यहाँ पे लगता है और जो कुंटल में मिलते हैं वो बाहर लगता है। देखने में कोई बुराई नहीं। कितने का है? 180 का पाँच। 180 में पाँच ठीक है। कितना दे दी? 5 ज्यादा नहीं हो जाएगा? साग कैसे है? कैसे 5 किलो 150? तो यहाँ पे जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने आप को भीड़ से दूर रख रहे हैं। अदरक ले लो। सो हमारा सामान जा रहा है गाड़ी से आगे वाली और हम लोग निकलेंगे पैदल। निकल रहे हैं मंडी से और सारा सामान ले लिया गया है हमारा, और मेरा जो छोटा भाई था वो सामान के साथ जा रहा है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग थोड़ी देर पैदल चले, फिर हम लोगों से पैदल नहीं चला गया तो हम लोग भी इसी पे लद गया है और काफ़ी ज़्यादा फनी दिख रहा है हम लोग, बट कोई नहीं इतना चलता है। इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी फंक्शन में, चाहे वो जिस तरीके का हो आपको इंजॉय करना चाहिए। सच में आलू ना धस रहा है मेरे को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। कल आने का काम हम लोगों का था, उसके बाद का बच्चा पार्टी का। अरे एक बच्चा पार्टी इधर है। हम लोग वहाँ से आए तो नीतू दी और बाबू आए थे। नीतू दी से आपको मिलवा दिया है, वो बाबू के बर्थडे में, वो मेरी ननद है, तो उन्होंने स्पेशली काजल के लिए पोहा बनाया था जो कि बहुत 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 टेस्टी है। और ये दीदी बता सकती थी, बताओ कैसा है? सब लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत अच्छा है। इवन जो है रेसिपी भी पूछी कि कैसे बनाई, तो मेरे को फर्स्ट टाइम अच्छा लगा था तो मैंने काजल से बोला था। काजल बोली कि दीदी मेरे लिए भी कह देना, दीदी को जाने से पहले बना देगी, तो स्पेशली काजल के लिए। मामी लोग चला गया है अयोध्या दर्शन करने के लिए, तो अभी हम लोग भी नहा धोकर फ्री हो चुके हैं। और आई है मेरी फ्रेंड जो कि थोड़ा ब्यूटिशियन वाला कोर्स की है, तो उसे काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो हम लोगों ने सोचा कि फेशियल इसी से करवा लेते हैं। तो उसके पहले हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले खाना खिला देते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से काम खाना खिलाने में। कौन सो ही रहा है? तो ये आंटी है यहाँ है, हमें पागल इस बारे कोई नहीं कोई क्या बताना चाहिए था हम नहीं
वीडियो था लेकिन खाने के ऊपर खाने के लिए आया ना, तो इसीलिए तैयार होने को नहीं बोला। नहीं अभी जाना था ना, तो हम कह अच्छा अच्छा तो यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। बनाया जी नहीं बताओगे? दाल। तो आज का जो लंच है वो है चावल दाल और आलू गोभी की सब्जी। काफी अच्छा बना रहे हैं ये लोग खाना, कल का भी बहुत टेस्टी था और अभी का तो खा के देखती हूँ। सो खाना टेस्टी है, काफी अच्छा है। तो मैं मिलती हूँ आपको, खाकर वापस आ गए अपने काम पर, तो चलते हैं। फ्रेंड आई है, कह रही है वो फटाफट करते हैं, थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो चलिए दीदी बैठ चुकी है, वो उसका फेशियल करेगी, तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी। पूरा का पूरा पार्लर मेरे घर आ गया है और मेरी फ्रेंड कर रही है दीदी का फेशियल और हम लोग जा रहे हैं सासू माँ का बैग पैक करने। तो चले चलिए, बाय 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 बाय। चलो गाइस, सासू माँ का ऑलमोस्ट डन हो चुका है पैक, वो उस तरीके का जाता है हम लोग के यहाँ बनारस में। और काजल का भी एक डन हो चुका है और एक थोड़ा सा खुला हुआ है, तो ये काम भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद का जो काम है वो हम लोगों का ये है कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं अब उन पे हम लोग अच्छे से फोकस कर पाए और अच्छे से वो इंजॉय कर सके। तो चलिए मिलती हूँ मौसी के आने के बाद। घर में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और मौसी भी आ गई है और अभी हम जा रहे हैं रात के डिनर का जो है व्यवस्था करने। और हम लोग लेके जा रहे हैं ये सारी सब्जियाँ क्योंकि भाई किसी और काम में लगा है, तो चलते हैं। खाने की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, समय से बन जाए। तो अभी वो लोग अभी वहाँ से अयोध्या से आया नहीं, आएगा तो भूख लग जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि सारी सब्जियाँ ला के रखते हैं यहाँ पर, जिससे जो भी जब भी बनाना हो भैया अपने हिसाब से बना ले। और चलिए फिर हाँ, सो यहाँ भैया को सारा कुछ बता दिया, अब चलते हैं नीचे। सो गाइज एक बात बताऊँ, मैंने भी फेशियल कराया, अभी मेरे को उतना ग्लो नहीं दिख रहा है, तो मॉर्निंग में देखते हैं फेशियल का क्या असर है मेरे फेस पे। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं हनुमान गढ़ी, हनुमान जी के मंदिर, ये देखिए जो कि यहाँ पर है। तो हम लोग आए हैं हनुमान जी के मंदिर और एक फेरा कंप्लीट करेंगे, फिर आपको मिलती हूँ मैं बाहर। आज का दिन बहुत अच्छा है, हम लोग आए यहाँ दर्शन करने और हम लोग भंडारा भी खा रहे हैं। ये पीछे भंडारा लगा हुआ है और भंडारे में है खिचड़ी जो कि बहुत बहुत टेस्टी है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको सो अभी हम लोग गए थे मार्केट, मार्केट से वापस आए हैं क्योंकि ये गद्दा लेना था और ये गद्दा वाला काम भी हो चुका है। अब इसके अलावा बचा थोड़ा सा मार्केट का और काम जो कि कल कंप्लीट कर। सो रात हो चुकी है, हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना दोबारा से बनाया जा रहा है क्योंकि उसको थोड़ा सा समझ भी नहीं आया था कि तो कम हो गया है। सो अभी छोटी मौसी आई थी, मैंने कहा था आप लोग को मिलवाऊंगी, तो चलिए छोटी मौसी से मिलवा लेती हूँ। तो ये मेरी छोटी मौसी, मौसी हाय करो हमारे दोस्तों को। ये भी मौसी कोलकाता में बाली में रहती है, तो ये बड़ी मौसी भी कोलकाता में खरदा में रहती है और ये दीदी है जो कि कोलकाता में संतरागाछी में रहती है। तो ये तीनों लोग कोलकाता से, और अब चलिए मैं मिलाती हूँ जीजा जी से क्योंकि उनसे आप लोग मिले नहीं, केवल मैंने बताया कि जीजा जी आए हैं तो उनसे मिलते हैं। सो ये मेरे जीजा जी जिनसे हम आप लोग को नहीं मिला पाए थे, और जीजा जी सो रहे थे, मैंने उठा के बोला कि मेरे दोस्तों को हाय बोल दीजिए। जीजा हाय बोलो। हाय। और ये दीदी है, ये भी कोलकाता से है। तो जीजा कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जरूर, मेरे साली के वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सुपर स्टार बनाइए। थैंक यू। तो गाइज आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।